मेष राशि वालों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:40 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों अब आपकी गरीबी दूर होने वाला है। बेटा आप चिंता छोड़ो और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लो। हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आप सभी का जीवन बदलने में देर नहीं लगेगा। बस आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों हम आपसे भी को बता दें कि अब आपको करोड़ का खजाना मिलने वाला है। एक देवता आपके ही घर में है और आपके लिए करोड़ों का खजाना लेकर बैठा है। बस आपको यह पहचान है पर रखा जाना है। आपको कैसे मिलेगा, आपको सभी बातों को, सभी संकेत को समझना है दोस्तों। और इन सभी के लिए आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा। जो भी भक्त आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उनके जीवन काल में यह देवता प्रसन्न होंगे और उनको यह सारा खजाना देंगे। आपका घर धन डोला से भर जाएगा। यदि आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में सारी गरीबी जड़ से मिट जाएगी। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, जय बोलो माता काली की जगत माय महामय, मां भवानी की जय हो, मां के सच्चे दरबार की जय बोल दो। कुंभ राशि वाले बच्चों, आप सभी का मंथन भिंड YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की भविष्यवाणी सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। आज हम आपको आपके ही जीवन के बारे में, आपके घर के बारे में एक ऐसा गहरा राज बताने जा रही है जो अब तक आपको किसी ने बताया नहीं था। यदि बता दिया होता तो आप अब तक करोड़पति बन चुके होते। प्यारे दोस्तों, अब ना केवल आपको करोड़ों की दौलत मिलने वाली है, बल्कि आपका प्यार, आपकी खुशियां, आपकी सारी मनोकामनाएं और आपकी सबसे बड़ी शत्रु का नाश, सब कुछ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको पता नहीं वाली। जी हां प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर में ही एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है और यह अब तक आपकी जानकारी से दूर रहा है। किसी ने आपको इसके बारे में अब तक नहीं बताया है। प्यारे दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आज आप इस ज्योतिष कार्यक्रम पर आए हैं, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने वाले की किस्मत तो 100% खुल ही जाएगी। साथ ही साथ उसे देवी देवताओं और पूर्वजों की पूरी कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। शास्त्रों का ऐसा ज्ञान आपके जीवन के बारे में, ऐसी गुप्त बातें आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि इस तरह की ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में प्यारे मित्रों बहुत मेहनत लगती है। हम दिन रात मेहनत करके, प्रयास करके आपके लिए एक से एक जरूरी और काम की बातें लेकर आती रहती हैं। ऐसे में यदि आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार हो ही जाएगी। साथ ही साथ माता भवानी की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम अपने हर ज्योतिष कार्यक्रम में आपको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बताते हैं जिससे आपको महामाई की जगत माई की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा ही एक विशेष उपाय हम आपको आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में भी बताने वाले हैं, जो ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे। इसलिए आपको ज्योतिष कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक देखना है। देखिए प्यारे दोस्तों, यदि हमने आपको सारी बातें बता दी और इस सारी बातें हैं आपके काम की है, अब ऐसे में आपने उन बातों को नहीं माना तो फिर इसमें नुकसान किसका होगा? सबसे पहला नुकसान तो हमारा होगा कि हमने जो ज्ञान दिया बेकार हो गया, किसी काम का ना रहा। लेकिन दूसरा नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही होगा, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला था, आपको माई की कृपा प्राप्त होने वाली थी, आपको आपके जीवन की हर खुशी मिलने वाली थी, लेकिन आपकी एक लापरवाही की वजह से आपके हाथों से यह खास मौका निकल गया है। तो अब ऐसी भूल मत करना मित्रों। हम आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रही हैं कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना। इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए बिना समय गवाएं आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे
कि आप कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माय की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती है, हमें और आपको भी रहती है। प्यारे दोस्तों, समय आपके लिए बहुत कठिन है, आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच एक खुशी का पल भी आपके लिए आ रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियों का निर्माण हो रहा है, ऐसे लोगों का निर्माण हो रहा है जो आपको बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको अपनी पिछली ज्योतिष कार्यक्रम में भी बताया था। ऐसे बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ी पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, प्रकृति का नियम है, बड़ा ही विचित्र होता है, जहां पर तकलीफ बहुत अधिक होती है वहीं पर राहत की कुछ पल भी होती है। जैसे एक विशाल रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा पेड़ या फिर एक छोटी सी झाड़ी होती है, जहां पर कि आप उस रेगिस्तान की तपिश से, गर्मी से बच सकते हैं, आसरा भी ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस नकारात्मक समय में, कठिन परिस्थिति में आपके लिए कुछ लोग हैं, कुछ खबर है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं उन कठिन परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि उनसे बचना आपके बहुत आवश्यक है, तभी तो आप जीवन में आनंद ले पाएंगे और अच्छी शुभ घड़ियों का भी सुख हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी राशि के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है और राहु की भी पीड़ा आपको लगातार बनी रहेगी, जिसमें आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत ही कठोर है। इन 3 दिनों में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे पहला काम कि आप अपनी पैसे को बचाएं, किसी भी कीमत में अपने पैसे को फिजूल खर्ची में बर्बाद ना करें, बिना सोचे समझे किसी को भी पहचान ना दें और ना ही बिना सोचे समझे किसी काम धंधा व्यापार में, जुए सट्टे का शेयर मार्केट में अपना पैसा ना लगाएं, वरना आपका पैसा 100% डूब ही जाएगा। वैसे आपकी साथ यह पहले भी कई बार हो चुका है, याद रखें शनिदेव जब जब आपको पूर्ण दृष्टि के साथ देखेंगे तब तब आपका धन से नुकसान अवश्य कराएंगे, क्योंकि आपने जरा सी लापरवाही की और आपको गहरी चोट लगेगी। शनि देओल के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव कहते हैं कि हम जब आप देख रहे हैं तो आप पूरी तरह से सतर्क रहिए, जरा सी गलती, जरा सी लापरवाही की और आपको सजा मिलेगी, तो बस यही एक पल अब आपके लिए फिर से आ गया है। ऐसे में आपको पैसे रुपए को लेकर बहुत सावधान रहना है, रिश्ते नाथों के मामले में भी आपको बहुत सतर्क रहना है। आने वाले 3 दिनों में आपको 100% है, आपका अपना ही कोई बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, आपके साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने वाला है। याद रखें कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है, यदि आप इस संसार में किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि यह जो संसार है, यह दुनिया है, इस प्रकार से बनी है कि यहां आपके जैसे सीधे और सच्चे लोगों को लोग चुन चुन कर खा जाते हैं। यहां लोग केवल और केवल स्वार्थ से ही संबंध चलाते हैं, जब तक आप उनके काम आ रहे हैं अब तक भी आपके साथ प्रेम से रिश्ता चलाएंगे, आपका अपना बनकर आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा आपको छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसी में आपको याद ये रखना है कि ये जो लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पराया इंसान आपको कैसे धोखा दे सकता है। धोखा तो आपको वह इंसान देगा जो आपका अपना है, आपके आसपास रहता है, आप जिस पर पूरा भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बस वही इंसान आपको धोखा देगा। इसलिए याद रखें प्यारे दोस्तों कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, हमेशा पहले अपने बारे में सोच, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही कैसे इंसान हैं जो अपने घर और अपने परिवार के लोगों के लिए जीते हैं। आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने घर परिवार के लोगों के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। यदि आपके पास एक रोटी है केवल खाने के लिए, तो आप वह अपनों को खाने के लिए दे देंगे, परिवार के लोगों को खाने के लिए दे देंगे और खुद भूखे रह जाएंगे। यह प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हर अच्छी बात कहीं ना कहीं बुरी भी बन जाती है, और आपकी यह जो अच्छाई है यह आपको कई बार बर्बादी के दरवाजे तक भी ले जा चुकी है। अब आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने बारे में सोचेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आप और अधिक मेहनत करेंगे और तेज दिमाग से काम करेंगे और जल्दी कामयाब होंगे, तो आप अपनों को और अधिक खुशियां दे पाएंगे।
लेकिन यहां पर फिर से वही बात आएगी कि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना होगा। यदि आप कष्ट भोगते रहेंगे, दूसरों को सुख देते रहेंगे, चाहे वह आपकी अपने परिवार के लोग ही क्यों ना हो, तो ऐसी मैं आपको कभी मौका ही नहीं लगेगा कि आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर कामयाबी की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा तो आपके अपनों को खुश करने में ही हमेशा चली जाती है। और जब आपके नंबर आता है तब आप खाली हाथ खड़े रह जाती हैं। और एक बात हम आपको और बता दें मित्रों, बेशक यह बात बहुत करीबी है, सुनने में अच्छी नहीं लगी कि, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें कि इस संसार में चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब आपके ऊपर सचमुच में कोई शारीरिक कष्ट आएगा, कोई बड़ी आफत आएगी, तब आपको ही वह सब झेलना होगा, तब आपको ही वह इस तारा कष्ट सहना होगा। लोग आपके आसपास आकर दुख तो दिखाएंगे, चार आंसू भी तकलीफ की जरूर बहा देंगे, लेकिन असल तकलीफ तो आपको ही होगी और उसे आपको ही सहना होगा। कहने का मतलब यह है कि पहले आप अपने बारे में सोचें, खुद को सुखी करें, खुद को ताकतवर बनाएं, फिर परिवार वालों के बारे में सोचें। यही असल सच्चाई है। जब आप काबिल हो गए तो आप अपने परिवार को और खुशियां जी पाएंगे। जब आप ही किसी काबिल नहीं रहोगे तो कैसे आप अपनी परिवार की हर इच्छा पूरी कर पाएंगे, उन्हें सुख दे पाएंगे। इसीलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें। तो अब ध्यान से सुनिए, अब तो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदलने के लिए बेहद महत्व गुण है, क्योंकि अब हम आपको भी बातें बताएं कि जो हमने आपको ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत में बताई थी, यानी कि आपके घर में छुपे हुए उस महत्वपूर्ण खजाने के बारे में, इसको आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। मेरे बता देते तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहता, आप पूरी तरह से बदल जाते। तो चलिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस समय ऐसी मैं आपको ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना है, जो बातें बता रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझना है। और एक खास बात है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए और हम आपके लिए और मेहनत से प्रयास करते रहे, आपके जीवन को सुखी बनाते रहे। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखें प्यारे दोस्तों कि आपका घर है एक ऐसा स्थान है जहां आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। आप इस संसार में कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही तकलीफ है, चाहे कितने ही कष्ट सहे, चाहे किसी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप एक असीम शांति का एहसास होता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपका घर आपके लिए एक स्वर्ग के समान सुंदर स्थान है। अब ऐसे में यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों अब कुछ लोग ऐसा भी सोच रही होंगी कि गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, हमारे घर में तो इतनी परेशानियां हैं, हमें तो अपने घर में चैन और सुकून मिलता ही नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वही आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, भूत प्रेतों का वास है, इसी प्रकार का तांत्रिक टोना टोटका किया हुआ है, तो आपको आपके घर में भी फिर सुकून प्राप्त नहीं होगा कि पीछे नहीं, घबराहट और लड़ाई, झगड़े और अशांति रहेगी। तो ऐसे में आपका सबसे पहला कार्य ही बनता है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर पाए, क्योंकि जब आपके घर में शांति होगी तो आपके मन में शांति होगी, और यदि आपके मन में शांति है तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल लेंगे। इसीलिए प्यारे प्यारे दोस्तों, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें जरा आप ध्यान से सुने, बिल्कुल ही अपने ध्यान को भटकने ना दे, हर एक बात को नोट कर ले, क्योंकि अब सारी बातें बहुत गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। तो ध्यान से समझिए, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में घर को एक मंदिर की उमा दी गई है, यानी कि घर एक मंदिर के समान पवित्र स्थान होता है। और आप खुद ही समझ लें कि मंदिर में कौन रहता है, मंदिर में देवी देवताओं का वास होता है। जब आपके घर में भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो जाए, तो आपके घर की हर एक कोने में खजाना ही खजाना है। और वह खजाना कौन सा है, शांति का खजाना, चैन का खजाना। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप यह खजाना कैसे प्राप्त होगा, घर में आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसी आप कैसे बाहर निकालेंगे,
तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ बहुत ही विशेष नियम बताए गए हैं। इन्हें आप जरा ध्यान से समझें। आपके घर में चार दिशाएं हैं, यानी कि आपके घर को चार अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है और इन चारों दिशाओं के अलग अलग मालिक हैं। यानी अधिपति जैसी पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा के मालिक हैं सूर्य भगवान। इसी प्रकार पश्चिम दिशा की यदि बात की जाए तो पश्चिम दिशा के मालिक हैं स्वयं शनिदेव महाराज। और उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा के मालिक तो स्वयं को वीर हैं और माता लक्ष्मी हैं। हालांकि माता लक्ष्मी का एक और स्थान आपके घर में है, लेकिन उत्तर दिशा भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की बात की जाए तो यह मृत्यु की दिशा है। इन दिशाओं के अनुकूल ही आपको अपने घर में वातावरण का निर्माण करना है। यह के आप करेंगे यह हम आपको आगे पता नहीं जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बातें हैं, जो ज्ञान हम आपको दे रही हैं, वह पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों की पद्धति के अनुसार बताया जा रहा है। अब आपको यदि सच्चा ज्ञान नहीं चाहिए तो आप ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़कर बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो सच बात बता रहा है यदि भी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर आपको झूठ की दुनिया मुबारक हो, आप उसी झूठे संसार में रहिए। लेकिन जिन लोगों को सच्चा ज्ञान चाहिए, जिन सचमुच में जीवन में बदलाव चाहिए और कुछ बड़ा अपने जीवन में हासिल करना है, उन लोगों को तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना ही होगा। तो अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो पूर्व दिशा है उस दिशा में जो भी दीवाल है उस दीवाल पर आपको सबसे पहला कार्य करना है कि उगते हुए सूर्य की एक तस्वीर लगा देनी है। जी हां प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं, बस जरा सा एक छोटा सा यही उपाय आप करते हैं। इससे क्या होगा? इसी होगा कि आपके घर में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए वास करती रहेगी और सूर्य की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि हर एक नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है। इसी प्रकार प्यारे मित्रों, हम आपको हर एक जैसा के लिए एक छोटा छोटा उपाय बता रहे हैं, कोई बड़ा उपाय नहीं है। बस इन छोटे छोटे उपायों को ऑफ कर ले तो आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए पैसे की प्यार मोहब्बत की हर तरफ बरसात होगी। ये दोस्त तो अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की, तो प्यारी मित्र को अपने घर की पश्चिम दिशा का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यह शनिदेव की दिशा है तो पहला कार्य कि इस दिशा में कभी भी गंदगी ना होने दें, मकड़ी के जाले लगने ना दें और मिट्टी जमा होने ना दें, कबाड़ का सामान यहां बिल्कुल भी ना रखें, कोई भी टूटा फूटा जंग लगा सामान इस दिशा में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय करना है और वह उपाय यह है कि आप 500 का यह 100 का एक कोई नोट्स, एक RS 10 का या RS 5 का सिक्का ले। अब आप दुकान पर जाकर इस RS 500 की नोट को लेमिनेशन करा लें और लेमिनेशन कराते समय आप एक RS 10 का या RS 5 का सिक्का भी इसके साथ लेमिनेशन करा लें। अब आप इस नोट को दीवाल पर, यानी पश्चिमी दीवाल पर अपने सिर की ऊंचाई से थोड़ा ऊंचा इसे लगा दें, इसी प्रकार से वहां पर चिपकाने याद रखेगी। उस सिक्के को आपको दीवाल की तरफ करना है या नहीं, छुपा देना है उस नोट के नीचे। अब इस उपाय को आप करेंगे और आप देखेंगे कि रुपए पैसे को लेकर जो समस्याएं आपके जीवन में, एक झटके में सुरक्षा और हर तरफ से आपके जीवन में पैसा आने लगेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, जहां से आपने सोचा था वहां से तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जहां से आपने सोचा भी नहीं था वहां से भी आपका आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, शनिदेव की जैसा है। यहां जो भी चीज आप रख देंगे वह बढ़ती चली जाएगी। अब यदि पति पत्नी के बीच में क्लिप रहता है, आपसी प्रेम कम है, तो आप पति पत्नी की एक शामिल तस्वीर इस दीवाल पर प्रेम कराकर लगवा दें। इसी प्रकार परिवार में यदि प्रेम नहीं है तो पूरे परिवार की एक तस्वीर फ्रेम कराकर आप इस दीवाल पर लगा दें। घर की पश्चिमी दिशा में आपको वह सामान रखना है जिस सामान को आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको यदि इस दिशा से संबंधित कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे जुड़कर प्रश्नों के आप जवाब पूछ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। दोस्तों, उत्तर दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वयं को वीर, किसी शायद धन के अधिपति की दिशा है। अब इस दिशा में भी आपको एक तस्वीर लगानी है।
यह प्यारे दोस्तों की तस्वीर कैसी है, तो आप बाजार में जाएं और एक ऐसी तस्वीर तलाश है जिसमें कि पानी का झरना गिर रहा है। यह प्यारे दोस्तों पहाड़ से पानी का झरना गिर रहा है और उस झरने का पानी आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि सामने की ओर आ रहा है, दाएं बाएं नहीं जा रहा, आपकी ओर आ रहा है। जी हां मित्रों, आप इस तस्वीर को लेकर आए और अपने घर की उत्तरी दीवार पर इसे लगा दें। यह बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। अब खाली तस्वीरों से क्या हो जाता है, आपके मन में शायद यह प्रश्न उठेगा, तो याद रखें, प्यारे दोस्तों की आपके पूजा घर में जो रखी है भगवान की तस्वीरें, बीवी तो तस्वीरें ही हैं, उन तस्वीरों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि नहीं, आप हो उन तस्वीरों से इतना प्रेम, इतना लगाव है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन तस्वीरों की ओर जाएगा, आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो यही हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि इन तस्वीरों की ओर जाएं। जी, आपके जीवन को बदल सकती हैं और 100% बदलेगी ही, तो इस तस्वीर को आप यहां पर लगाइए। अब बात करते हैं दक्षिणी दीवाल की, आपके घर की जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा दाएं बाएं नहीं, अब इस ठीक दक्षिण दिशा की दीवार पर आपको लगानी है राम दरबार की एक तस्वीर, प्रभु श्री राम की और माता सीता की एक ऐसी तस्वीर आपको लगानी है जिसमें कि वे दरबार में बैठे हैं और हनुमान जी भी वहां पर मौजूद हैं, राम और लक्ष्मण भी मौजूद हैं, संपूर्ण राम दरबार की एक तस्वीर आपको वहां लगानी है। यह प्रभु श्री राम की विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतीक है। और जब आप मृत्यु की दिशा में इस तस्वीर को लगाते हैं तो आपके घर परिवार में तुरंत इसका असर दिखाई देता है। सबसे पहला लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाता है, घर के लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तीसरा कि जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं की, जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं और हादसे होने के जो अवसर बन रहे थे आपके जीवन में, जो मौके बन रहे थे, वह निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके घर में जो बीमारी का वास है, लगातार कोई ना कोई एक सदस्य बीमार बना रहता है, वह ठीक हो जाएगा। मित्रों, अब जितनी आपकी घर की दिशा में महत्वपूर्ण है, उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके घर के चार कौन है। जी हां प्यारे दोस्तों, कोट का मतलब है कि दो दिशाओं के ठीक बीचों बीच बनने वाले स्थान को हम कौन होते हैं, जैसे कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच ठीक बीचों बीच स्थान है, उसे हम ईशान कोण कहते हैं। अब ईशान कोण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह इसका कौन है, भगवान का कोड है, और इस भगवान भोलेनाथ को भी कहा जाता है, यानी स्वयं भोले बाबा और पर रहते हैं, तो आपके घर में यह कौन सी जगह पर पड़ रहा है, अब समझ जाइए कि वह भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो इस स्थान पर आपको क्या करना है, एक गमला लेकर आइए और उसमें बेलपत्र का एक छोटा सा पौधा लगाएं और उस पौधे के ठीक नीचे छोटा सा एक शिवलिंग रखिए। मित्रों, याद रखना कि इस उपाय को करते ही पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, विवाद हो, सुलझ जाएगा, चाहे कैसा भी भयानक से भयानक कर्जा हो, आपके ऊपर, आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर वह समाप्त हो जाएगा। एक बार इस उपाय को पूरे भाव के साथ करके तो देखिए, यह आपके लिए संजीवनी बूटी के समान होगा, क्योंकि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती के साथ आपके घर में रहने के लिए आ जाएंगे। हमें तो बहुत महत्वपूर्ण है, या जैसा इस दिशा में भूलकर भी गंदगी ना होने दें, अंधेरा ना रहने दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जूते चप्पल डस्टबिन या फिर मकड़ी के जाले वगैरह इस दिशा में भूलकर भी ना रखने दें। होली तब बात करते हैं, इसके ठीक सामने यानी नृत्य कोण की जो बनता है, आपके घर की पश्चिमी और दक्षिणी दिशा से ठीक बीचों बीच अब नृत्य और माता लक्ष्मी का होता है और आपके घर के पितृ पूर्वजों का भी स्थान होता है। यदि यह कितना महत्वपूर्ण स्थान हुआ, आप यहीं से समझिए, यहां स्वयं माता लक्ष्मी वास कर रही है और आपके मित्र पूर्वज भी यहां पर रहते, तो अब यहां पर आपको क्या करना है, अब आपको पहले तो अच्छी तरह से यह चेक करना है कि आपके घर का नृत्य कौन कौन सा है। ठीक पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीचों बीच का स्थान है नृत्य कोण स्थान पर आप अपने पैसे रुपए की जो तिजोरी है या अलमारी है, जिस जगह पर आप ऐसा रखती हैं, उसी आप इसी स्थान पर लेकर आएं। इसी स्थान पर आप पैसे अपने रखें। आप यदि इस स्थान पर कैसे रखेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी कैद हो जाएंगे, तभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। कैसे मतलब यहां पर है, प्रेम का बंधन मित्रों, यह प्रेम की कैद होगी, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी को उनके ही स्थान पर बैठा दिया। अब भी आपका घर छोड़कर क्यों जाएंगी,
आपको यदि आपका कमरा रहने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, आप तो वहां खुशी खुशी रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है, जिसका जो स्थान है उसे उसी स्थान पर रख दिया जाए तो यह सर्वोत्तम क्रिया मानी जाती है और शास्त्र सम्मत भी होती है। दूसरा कि आप घर में यदि बीमारियों का बात है, कर्जा पड़ रहा है, आमदनी के स्रोत कम होते जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि औरतें झगड़ालू हैं और बच्चे यानी कि जो नई पीढ़ी है वह अपने से बड़ों का ना तो सम्मान करते हैं और ना ही उनकी बातें सुनते हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भटक गए हैं, ऐसी स्थितियां हैं या इनमें से कुछ मिलती जुलती स्थितियां हैं, तो आप शॉप पर सेंड पितृदोष का शिकार हैं। आपके खाने में बाल निकलता है, आप सपने में सांप देखते हैं और आपकी आंख रात को 11 से 1 मर के बीच खुल जाती है। ये पितरों का समय होता है। यदि इनमें से आपको 2-4 संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, 100% आप पितृदोष का शिकार हैं। आप इसका निवारण करना होगा। और इसका निवारण क्या है, बहुत ही सरल है। पितरों का स्थान भी वही है जो माता लक्ष्मी का स्थान है, तो आपको इस स्थान पर एक गाय के घी का दीपक जलाना है, वह आपके पितरों को समर्पित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने बैठे, चाहे आप छोटा सा कोई अनुष्ठान करें, एक दीपक और अगरबत्ती लगाएं या फिर हनुमान चालीसा करें या कुछ भी, भोले बाबा को जल अर्पित करें, कुछ भी छोटा बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ कार्य करें, तो साथ ही साथ एक छोटा सा कार्य और करें कि उस अनुष्ठान पूजा पाठ को प्रारंभ करने से पहले जिस भी देवी देवताओं के लिए वह अनुष्ठान किया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है, उस देवी देवता से यह प्रार्थना करें कि आपके पितृ देवता जहां पर भी है, जैसे भी हैं, उन्हें आपकी पूजा पाठ का कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य ही प्राप्त हो जाए। जब आप ऐसी भावना रखकर अपनी पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे तो आपके मित्र जहां पर भी होंगे भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, और जैसे ही भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कितना ही भयानक से भयानक पितृ दोष क्यों ना हो, तुरंत एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा। इस क्रिया का प्रभाव अपने जीवन में हर समय महसूस करेंगे। पहले ही दिन से आपके जीवन में इसका अंतर समझ में आ जाएगा। आप एक बार इस क्रिया को करके अवश्य देखना। अब वैसे तो बताने के लिए यार मैं तो और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको सीधा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम में समय की एक सीमा होती है। ज्यादा बड़ा ज्योतिष कार्यक्रम बनाने से आप लोग ही ज्योतिष कार्यक्रम में बोर होने लगते हैं, तो बाकी की बातें आपको किसी और ज्योतिष कार्यक्रम में बताएं कि अब इतनी सी बातें ही यदि आप मान लेते हैं और विधान के साथ, मन के साथ इन बातों को जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर 100% लाभ प्राप्त होगा। पहले दूसरे दिन से ही आपको अपने जीवन में अच्छी सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएगी, तरक्की के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और जिस भी चीज की आपको चाहत है, इस सारी चीजें आपके नजदीक खींच कर आने लगेगी। और यह सब कुछ कब होगा, जब आप अपने घर में इन कार्यों को करेंगे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा, बहुत अधिक शक्तिशाली होगा, जिससे आपके अंदर, स्वयं के अंदर बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का वातावरण बनेगा और आप भी पूरी शक्ति से, पूरी मेहनत से अपनी कामयाबी के लिए लड़ेंगे और उसे हासिल कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। जीवन में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त हो। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भवानी माता रानी, आपका कल्याण करें।